उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पुलिस ने एक मदरसे में छापेमारी की। कहा जा रहा है कि पुलिस के छापेमारी में अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं इस घटना में पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मदरसा संचालक समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मामला बिजनौर के शेरकुट इलाके में स्थित दारुल हंडिया मदरसा का है। ये मदरसा पिछले कई सालों से संचालित है। इसमें करीब 25 बच्चे पढ़ते हैं। इसी बीच गुरुवार को पुलिस को अचानक सूचना मिली कि मदरसे में हथियार रखे जाते हैं। इसके बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के मदरसे में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6 अवैध तमंचे और कई जिंदा कारतूस बरामद किए। हथियार बरामद हुए हैं, 3 315 बोर के तमंचे हैं, 1 32 बोर का तमंचा है, 1 पिस्टल है, 2 मैगजीन है, 57 कारतूस हैं। ये जो मदरसा संचालक है उसका दवाखाना है, जिसके डब्बों के अंदर से ये पिस्टलें और हथियार बरामद हुए हैं। पूछताछ पर जानकारी हुई है कि ये अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में लिप्त हैं और उससे जो मुनाफा होता है उससे इस मदरसे का संचालन कर रहे थे। ये रेजिडेंशियल मदरसा है। पुलिस के मुताबिक मदरसे ऐसे ही ये मदरसे वाला केस है। फौरन कह दिया गया कि साहब इसमें वेपन मिले हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ, चलिए अगर मिल भी जाएं, जांच का केंद्र है, आप जांच कीजिए वो है या नहीं है, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, ये सारी बात जांच का विषय है। उससे पहले पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना कि साहब ये आतंकवादी अड्डा था या आतंकवाद के लिए जमा किए गए थे, और बहुत सारी चीजें वेपन्स की हो सकती हैं। हो सकता है कल को जांच में ये निकले कि साहब ये तो लाइसेंसी बंदूक थे जो लोग बैठे थे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब रामनवमी के ऊपर तलवारें लहराई जाती हैं उस वक्त क्यों कुछ नहीं बोला जाता? वो भी तो इलीगल वेपन्स हैं। तलवार रखना सिखों के यहाँ तो लीगल है, लेकिन सिखों के अलावा किसी के भी यहाँ, और वो भी पब्लिक प्लेस में, इस तरह से करना। दूसरे, ये आपने देखा होगा, बहुत सारे बीजेपी के विधायक, बहुत सारे बीजेपी के एमपी और बहुत सारे दूसरी पार्टियों के भी विधायक एमपीज वगैरह किसी भी फंक्शन में गोलियां चला देते हैं। बाकायदा उनके यहाँ गोलियों का तो रिवाज है इस तरह की बातें करने का। ये सारी चीजें जो है, जब तक हम इसको नहीं देखेंगे, कार्रवाई नहीं होगी, तो ये सब तो चलता रहेगा। इसमें कोई ये समझना कि मदरसे जैसी जगह पर जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है वहां पे उन हथियारों का क्या काम है? कहीं मदरसे की आड़ में बच्चों को आतंकवादी तो नहीं बनाया जा रहा है? और ऐसे कितने मदरसे हैं जिनमें अवैध तरीके से हथियार रखा जाता है? ऐसे कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चिंता प्रकट की है और इस मामले की जांच करने की आदेश दी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। खबरों में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।